Good morning, students. Today we solve size 3.3, question number 3. In earlier video, we have solved question number 1 and 2 of size 3.3. So let us start with question number 3. In this question, there is a data given and we have to represent this data on a bar graph. So first of all, while representing the data, we have to start with taking a scale of unit 1 cm equals 10 children. Okay? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन डाटा हुआ है जो क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में इंडिविजुअल क्लास में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस डाटा को क्या करना है, इस डाटा को हमें शो करना है एक बार ग्राफ के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इस जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्केल लेते हैं। ठीक है, स्केल मतलब ऐसा यूनिट, एक ऐसा क्या पैमाना लेते हैं जिसके द्वारा क्या करें, इन सभी डाटा को इजिली एक बार ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं क्या 135, 120, 95, 100, 90, 80। ठीक है, इसमें क्या है 80, 90, 100, यानी 10-10 का डिफरेंस दिख रहा है। तो क्या करेंगे, जो क्या है, हम डाटा को स्केल जो लेंगे वो क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, जो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस के बराबर होंगे। ठीक है, जो हमारे स्केल होगा इस डाटा का 1 cm इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कि ऑन स्केल वी टेक 1 cm इक्वल्स 10 चिल्ड्रन। ठीक है, क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे, 10 चिल्ड्रंस के बराबर होंगे। ऐसा क्यों लिया गया है, बिकॉज पूछा आखिर आपने क्यों ऐसा लिया है, तो क्या इसके लिखते हैं, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट, क्या कर सकते हैं हम इजिली, क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट करना है, अ मोर क्लियर डिफरेंस बिटवीन, अ मोर क्लियर डिफरेंस, ठीक है, क्या डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द 7th क्लास एंड इन 9th क्लास। ठीक है, हम इसलिए रहे ताकि हम आसानी से और ज्यादा क्लियर डिफरेंस बता सकें कि 7th क्लास में और 9th क्लास में डिफरेंस क्या लिया है हमने, एक इसको कितना लिया, 10 सेंटीमीटर के बराबर क्या कर लिया हमने इसको लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे जो होता है हम क्या लिख सकते हैं, जो क्लास है नीचे हम क्लास को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो आपके होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम क्लास कर लेंगे, जो डिफरेंस है 10 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 130 और 150। ओके, ये हम क्या कर लिए, इसको हम लिख लिए 140 तक हमने बना लिया। अभी क्या करना है, क्लास लेना है, तो आप सबसे पहले क्लास कर लीजिए 9, 6 ले लीजिए, शॉर्टकट में लिख दीजिए 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो क्लास 6 में फिफ्थ जो है फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एंड। ठीक है, क्लास फिफ्थ में कितने स्टूडेंट हैं, 135 है, तो 110 का डिफरेंस है 135 का यहाँ पे आएगा, तो फिफ्थ के लिए क्या कर लेंगे, एक बार ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लास फिफ्थ के। ठीक है, अब क्या है, 120 है, 120 देख लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 120 का ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, क्लास सिक्स के लिए। फिर क्या है, 97th का क्या है, 95 है, 90 और 10 इसके बीच में ये आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, 7th के लिए हो गया आपका 95, 8th के लिए 100 है, 100 क्या है यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका 8th के लिए क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 9th के लिए क्या है, 90 है, 90 यहाँ पे है। ठीक है, 9th के लिए 90, ऐसे आप स्केल से ही इसको ड्रॉ करें। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ग्राफ की लेंथ भी इक्वल होना चाहिए, और स्केल से हम इसे क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे। 10th में क्या है, 80 है, 10th ये 80 चुने थे क्लास। ओके, ये क्या हो गया, ये क्लासेस हो गए और इसके ग्राफ हो गए। ठीक है, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। ठीक है,
आप सबको क्या कर दिया शो कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल क्या हो गया, ये बार ग्राफ हो गया किसका किसका, इंडिविजुअल क्लास का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर क्लास में कितने कितने हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया टेंथ के लिए, ये हो गया नाइन्थ के लिए, ये हो गया एट्थ के लिए, सेवन सिक्स एंड ठीक है। ये क्या होंगे, क्लास हो गया, ये क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से क्या सकते हैं हम किसी भी गिवन डाटा को आसानी से हम क्या कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ वी कैन रिप्रेजेंट एज अ होल। ओके, अब क्या है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए हैं, तो आइए हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल। तो हमने सबसे पहले अभी इसके ऊपर जो लिखा था अभी से रफ करने से पहले कि स्केल किसे चूज करेंगे, हमने नाइन का और सॉरी सेवन और नाइन का डिफरेंस फाइव का है, ठीक है, लगभग क्या है फाइव से अधिक, यानी कि टेन टेन का हमने क्या लिया है वन सी एम इक्वल टू स्केल क्या चुना है, स्केल चुना है वन सी एम इक्वल्स टेन चिल्ड्रेन, ठीक है, वन सी एम इक्वल टू टेन चाइल्ड चुना है, ठीक है। एक सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, दस बच्चों को हमने रिप्रेजेंट किया है, स्केल का आपको बताई दिया गया इससे पहले लिख के। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। इसमें दो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन से क्लास में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और किस क्लास में क्या है मिनिमम चिल्ड्रन है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जो सबसे टॉलेस्ट तो आपको लग रहा है बारह में जो सबसे टॉलेस्ट वाली बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम शो करता है, और जो सबसे क्या है स्मॉलेस्ट दिख रहा है वो क्या हो जाएगा वो आपको स्मॉलेस्ट शो करता है मिनिमम शो करता है। तो कौन सा ग्राफ होगा, क्लास फिफ्थ होगा जो क्या करेंगे 135 फ्रेंड को शो कर रहा है, तो लिखा विच क्लास है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो क्लास फिफ्थ, ठीक है, क्लास फिफ्थ हो जाएगा एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। सिमिलरली एंड द मिनिमम, मिनिमम कौन सा है वो दिख रहा होगा, सबसे छोटा वाला क्लास कौन सा है टेंथ वाला है, ठीक है, तो टेंथ क्या हो जाएगा क्लास टेन एज द मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर ये आप बार का बना लेते हैं। आइए बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास सिक्स टू द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास एट। कह रहा है कि क्लास सिक्स और क्लास एट के स्टूडेंट के बीच में क्या रेशियो है, ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, रेशियो साथ निकाल सकते हैं। तो पहले लिखते हैं क्या कि क्लास सिक्स में कितने स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सिक्स इक्वल्स कितने स्टूडेंट है सिक्स में, आपका दिख रहा है 120 है, ठीक है, 120 हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, किस क्लास में, क्लास एट में पूछा ना, क्लास एट कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, क्लास एट में आपके स्टूडेंट्स हैं ये देख लीजिए 100 है, यहाँ देख लीजिए 100 है, ठीक है, एट के स्टूडेंट यहाँ पे पूछा है रेशियो, रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो किसका, रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स टू क्लास एट, रेशियो क्या हो जाएगा आपका 120/100, ठीक है, 10 से 10 काट देंगे 12/10, फिर 2 से कट जाएगा 2 6 10, 2 6 12, 2 5 10, रेशियो क्या हो गया आपका 6:5, तो 6:5 क्या हो जाएगा आपका रेशियो हो जाएगा क्लास सिक्स और क्लास एट के स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के बेसिस पे क्या होंगे आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं, ओके। सो इसको आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा और इसी के बेसिस पे जो आगे के क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, ओके, टेक केयर, जय हिंद।